वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज में हम गो टू स्पेशल कर रहे हैं। गो टू स्पेशल की लास्ट लेक्चर में हमने 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शंस की थी। आज हम गो टू स्पेशल की नेक्स्ट 8 ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत डिटेल में हम कर रहे हैं, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने एमएस एक्सेल की एक फाइल ऑलरेडी ओपन है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन कौन सी है। उसके लिए कंट्रोल जी और ऑल्ट एस को प्रेस करेंगे तो गो टू स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। हम इन सभी ऑप्शंस को कर चुके हैं, आज हम यहां से स्टार्ट करेंगे रो डिफरेंसेस से। रो डिफरेंसेस और कॉलम डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा है, मैं इसमें से इस रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी ऑल्ट एस को इकट्ठा प्रेस करता हूँ। रो डिफरेंसेस के लिए डब्ल्यू को प्रेस करूंगा और कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करूंगा तो ये 4 वैल्यूज इसने सिलेक्ट कर ली हैं। मैं इनको थोड़ा सा कलर इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ। ये वैल्यूज इसने सिलेक्ट की हैं। पहली बार देखने में ऐसा लगेगा कि इसने 22 इसलिए सिलेक्ट की है क्योंकि 25 बार बार रिपीट कर रही है, ये एक डिफरेंट वैल्यू है इसलिए सिलेक्ट कर ली। यहाँ पर 32 बार बार आ रही है, ये दो वैल्यूज डिफरेंट हैं इसलिए सिलेक्ट कर ली। ये वैल्यूज यहाँ पर 28 बार बार 29 बार बार आ रही थी, 28 एक बार थी तो क्योंकि एक बार थी कम टाइम रिपीट हो रही है तो इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर सभी वैल्यूज सेम है इसलिए कुछ भी नहीं लिया। तो पहली बार देखने में ऐसा ही लगेगा और ऐसा ही लोग करते भी हैं और ऐसा ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। यही सेम डाटा मैंने नेक्स्ट पर्टिकुलर इस रेंज में भी लिया है, मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी ऑल्ट और एस को इकट्ठा प्रेस करता हूँ। रो डिफरेंसेस के लिए डब्ल्यू को प्रेस करता हूँ और एंटर को प्रेस कर देता हूँ। अब इसने इन वैल्यूज को सिलेक्ट किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाली वैल्यूज और नीचे वाली वैल्यूज बिल्कुल सेम हैं, लेकिन यहाँ पर इसने 22 और 31 को छोड़ दिया और इनको सिलेक्ट कर लिया, 31 को छोड़ दिया और इन सब को सिलेक्ट कर लिया। इसका मतलब ये है कि वो क्राइटेरिया तो आपका बिल्कुल रॉन्ग हो गया क्योंकि 25 ज़्यादा टाइम्स रिपीट कर रहा है इसलिए उसको छोड़ के जो वैल्यू डिफरेंट है उसको पकड़ा है। वो तो बिल्कुल जो है आपका लॉजिक गलत लॉजिक है क्योंकि यहाँ पर वो क्या कर रहा है, जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसको डिफरेंट वैल्यू बोल रहा है, तो ऐसा वो क्यों कर रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं ना तो उसमें कोई ना कोई एक एक्टिव सेल तो रहता ही है। जैसे मैंने डेटा को इस तरह से ड्रैग करके सिलेक्ट किया तो यहाँ पर 25 जो है वो यहाँ पर एक एक्टिव सेल है। होता क्या है कि जब आप डेटा को सिलेक्ट करते हैं और रो डिफरेंसेस को अप्लाई करते हैं तो रो डिफरेंसेस ढूंढे जाते हैं रो बाय रो, रो डिफरेंस में कंपैरिजन करके। किससे कंपैरिजन करके? इस एक्टिव सेल से कंपैरिजन करके। सबसे पहले क्या होता है, ये 25 कंपेयर होगा इस रो के अंदर आने वाली हर एक वैल्यू से, और जब 25 कंपेयर होगा तो सारी वैल्यूज 25 के बराबर मिल रही हैं तो ये इनको छोड़ देगा। डिफरेंट वैल्यू कौन सी है, 22, तो ये उसको पकड़ लेगा। फिर 30, उसके बाद 25 के बाद इसी कॉलम ने, पूरे कॉलम ने, जिस कॉलम के अंदर आप एक्टिव सेल चुनते हैं ना वही पर्टिकुलर कॉलम के नीचे आने वाली जो वैल्यूज़ हैं, जैसे ये 32 है, इस 32 का अब कंपैरिजन होगा इन सभी वैल्यूज से और 31 डिफरेंट है इसको पकड़ लेगा। 17 का कंपैरिजन होगा, 29 का कंपैरिजन होगा, जहाँ जहाँ पर वैल्यूज़ बराबर मिलेगी उसको ये छोड़ देगा, डिफरेंट वैल्यू को ये पकड़ लेगा। लेकिन जब मैंने यहाँ पर आया था ना तो यहाँ पर मैंने सिलेक्शन इस तरह से नहीं की थी, यहाँ से सिलेक्शन मैंने इस तरह से कर ली थी। इस तरह से सिलेक्शन करने से क्या हुआ, मेरा एक्टिव सेल 33 हो गया। अब ये 33 इन सब से कंपेयर हो रहा है, ये 29 इन सब से कंपेयर हो रहा है, तो जब 29 इन सब से कंपेयर होगा तो ये सभी को छोड़ देगा, इस 28 को पकड़ लेगा। 17 सबसे कंपेयर हो रहा है, 31 सबसे कंपेयर हो रहा है। अब क्योंकि 31 सबसे कंपेयर हो रहा है तो इसमें मुझे 31 तो कहीं पर मिल ही नहीं रहा, तो इसलिए वो क्या करेगा, 31 को छोड़ के बाकी सबको डिफरेंट बोल देगा। यहाँ पर क्योंकि वो 22 का कंपैरिजन कर रहा है तो इसलिए 22 को छोड़ देगा और बाकी सबको डिफरेंट मान लेगा। ठीक है, तो इस तरह से ही काम करता है। अब मैंने तो आपको इस तरह से और इस तरह से सिलेक्ट करके बता दिया, लेकिन आपका एक्टिव सेल आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। आप एंटर को प्रेस करें, आपका एक्टिव सेल ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। टैब को प्रेस करें, आपका एक्टिव सेल ये हो जाएगा। अगर आपका एक्टिव सेल ये है, कंट्रोल जी को आप प्रेस करते हैं, ऑल्ट एस को प्रेस करते हैं, डब्ल्यू को प्रेस करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे इस बार इसने इन वैल्यूज को पकड़ा है। ठीक है, तो एक्टिव सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पर रो डिफरेंस कैसे फाइंड की जाएगी। इसी चीज़ को हम कॉलम के ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। अब अगर मैं इस डेटा को इस तरह से सिलेक्ट करूंगा
और कंट्रोल जी ऑल्ट एस करूंगा और यहां पर कॉलम डिफरेंसेस पर क्लिक करके ओके पे क्लिक करूंगा तो ये वैल्यूज मेरे पास आई हैं। लेकिन अगर मैं क्या करूंगा, मैंने इसको कैसे सिलेक्ट किया था, इस तरह से सिलेक्ट किया था। इस तरह से सिलेक्ट करने पर हुआ क्या, ये 25 नीचे वाली वैल्यू से कंपेयर हुआ, ये 29 नीचे वाली वैल्यू से कंपेयर हुआ, ये 33 नीचे वाली वैल्यू से कंपेयर हुआ और ये 47 नीचे वाली वैल्यू से, 47, 46, 47 और 42 से कंपेयर हुआ। जहां पर इसको वैल्यू 47 से डिफरेंट मिलती है उसको पकड़ लेता है, जहां पर वैल्यू इसको 59 से डिफरेंट मिलती है ये उसको पकड़ लेता है। इसी तरह से अगर आप इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे तो ये नीचे वाली जो वैल्यूज हैं, नीचे वाली जो रो है, 56 से सबको कंपेयर करेगा, 70 से सबको कंपेयर करेगा, 65 से सबको कंपेयर करेगा, 60 से ऊपर वाली वैल्यूज को कंपेयर करेगा। कंट्रोल जी करें, ऑल्ट एस करें, उसके बाद यहाँ पर आप कॉलम डिफरेंसेस ले लें, ओके पे क्लिक करें, तो ये देखिए इसमें इस तरह से वैल्यूज जो हैं वो आ रही हैं। इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि जो वैल्यू ज़्यादा बार है उससे एक वैल्यू जो कम, जो वैल्यू ज़्यादा बार आ रही है उसको छोड़कर जो वैल्यू कम आ रही है उसको ये रो डिफरेंस मान लेगा ना, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपका एक्टिव सेल कौन सा है। ठीक है जी, चलिए अब मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब कंट्रोल जी करके ऑल्ट एस करके कॉलम डिफरेंस एंड रो डिफरेंस पर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसका आपको शॉर्टकट भी बताने वाला हूँ। आप इसको सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के साथ साथ आप कंट्रोल और बैक स्लैश को इकट्ठा प्रेस कर दें। कंट्रोल और बैक स्लैश को मैं इकट्ठा प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल और बैक स्लैश को इकट्ठा प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि आपके सामने रो डिफरेंसेस आ चुके हैं। अब मुझे इसमें से कॉलम डिफरेंसेस को फाइंड करना है तो आपको कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाकर बैक स्लैश को प्रेस करना है, या आप ये भी कह सकते हैं कि कंट्रोल के साथ शिफ्ट को दबाकर आपको पाइप को प्रेस करना है। एक ऐसा बटन होता है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, ये मैं दिखाता हूँ आपको, शिफ्ट को प्रेस करने से आता है ये वाला, ये सिंबल, ये पाइप का सिंबल है। तो ये सिंबल बैक स्लैश के ऊपर ही होता है, आप इसको भी प्रेस कर सकते हैं। आपको इसको पकड़ना है, कंट्रोल शिफ्ट और इसको प्रेस कर देना है। तो देखें आपके पास कॉलम डिफरेंसेस भी आ चुके हैं। अब आपको कहीं गो टू स्पेशल में जाकर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस जिसके शॉर्टकट्स होते हैं वो शॉर्टकट्स मैं साथ ही साथ बताता रहता हूँ। चलें आगे चलें। चलिए ये है इनकंसिस्टेंट फार्मूला। देखिए रो डिफरेंसेस, कॉलम डिफरेंसेस सिर्फ वैल्यूज के, रो वैल्यूज के डिफरेंसेस या वैल्यूज के डिफरेंसेस ही नहीं ढूंढते, कॉलम में भी वो सिर्फ वैल्यूज के डिफरेंसेस नहीं ढूंढते, वो फॉर्मूलाज के डिफरेंसेस भी ढूंढ देते हैं, चाहे वो फॉर्मूलाज किसी रो में लगे हों या वो किसी कॉलम में लगे हों। जैसे अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा है कि आप इन तीनों को सम करो, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा है कि इन तीनों को सम करो, और ये फॉर्मूला यहाँ तक चलता रहता है। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर इन तीनों को सम नहीं किया गया, यहाँ पर सिर्फ ई और एफ को सम किया गया है, जी को बीच में लिया ही नहीं गया। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी E15 और F15 को सम किया गया है और यहाँ पर भी G को नहीं लिया गया। तो क्योंकि ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा था, तीन को ऐड कर रहा था, लेकिन बीच में यहाँ पर पहुँचते पहुँचते पैटर्न बिगड़ गया। अब ये आउटपुट तो देगा लेकिन यहाँ पर ये साथ में एक मैसेज भी देगा, एरर मैसेज, कि ये फॉर्मूला इनकंसिस्टेंट है। तो उसके लिए ये देखिए ये एरर मैसेज आ रहा है ना, इस पे भी आ रहा है और इस पे भी आ रहा है। अब आप इस एरर मैसेज को दूर भी कर सकते हैं, यहाँ पर आएँ, आने पर आप यहाँ पर क्लिक कर लें। आप कौन सा फार्मूला चाहते हैं, वो फार्मूला जो ऊपर वाले सेल पर लगा है वही तो चाहते हैं, तो आप कॉपी अबव फार्मूला पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आएँ, कॉपी अबव फार्मूला पर क्लिक कर दें। अब आपने दोनों इनकन्सिस्टेंसीज को दूर कर दिया, लेकिन इसमें दिक्कत है। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि भैया यहाँ पर तो सेल्स ही दो थे, अगर ज़्यादा होते तो क्या करते, तो भी एक एक करके इसको इनकन्सिस्टेंसीज को दूर करते और इसको एक एक करके इनको ढूंढते। फिर आप कैसे ढूंढते, फिर आप ढूंढते रोज एंड कॉलम डिफरेंसेस का इस्तेमाल करके। मुझे क्या करना है, मुझे इस सारे को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल जी को प्रेस करना है, ऑल्ट एस को प्रेस करना है और कॉलम डिफरेंसेस पर क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि यही दो वैल्यूज जो इनकंसिस्टेंट फार्मूला जिन्होंने है वो इसने फाइंड कर ली है। अब ये तो क्योंकि सामने ही दिख रहे थे मुझे पता चल गया, अगर डाटा बहुत ज़्यादा होता तो मुझे इसको इस तरह से ही ढूंढना पड़ता। अब मान लीजिए मैं क्या चाहता हूँ, मैं इनको, इनकी जो इनकंसिस्टेंसी है ना उसको दूर करना चाहता हूँ, उसको ठीक करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं इस सारे को सिलेक्ट कर लूँगा, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर पहले मैं इसके कलर को चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने ये जो दो ढूंढे हैं तो इनको कलर को चेंज कर लूँ, जब ये सिलेक्ट थे ना तभी इनके कलर को एक ही बार में चेंज कर लेना चाहिए था। यहाँ पर आते हैं, पहले इसको सिलेक्ट कर लें सारे को,
सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक कर दें। यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करें, फिल्टर पर क्लिक करने पर यहाँ पर आएँ और यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करें। यहाँ पर फिल्टर लग चुका होगा, नहीं लगा, चलिए फिर से दोबारा से सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक कर दें। देखें यहाँ पर फिल्टर लग चुका है, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर इसको फिल्टर बाय कलर कर लें। रह गए यही दो रह गए, अब देखें अब क्या करना है। इक्वल टू लगाएं, इक्वल टू लगाने के बाद इन तीनों को पकड़ लें, पकड़ने के बाद एंटर प्रेस कर दें, फिर से इक्वल टू लगाएं, सम लगाएं, सम लगाने के बाद आप यहाँ पर टैब को प्रेस करें और इन तीनों को खींच दें, खींचने के बाद ब्रैकेट को बंद कर दें, एंटर प्रेस करें, यहाँ से इसको नीचे की तरफ खींच दें। खींचने के बाद अब आप क्या करें, आप यहाँ पर आएं और यहाँ से फिल्टर पर क्लिक कर दें, वो फिल्टर जो है वो जा चुका है। अब आप चाहें तो इनके कलर्स को भी नॉर्मल कलर कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने उसको रिमूव कर दिया। तो फिल्टर्स वैसे मैंने आपको डिटेल में करवाए नहीं हुए, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में फ़िल्टर भी करवा दूंगा, लेकिन बहुत आसान मेथड है किसको ढूंढने का, इनकंसिस्टेंट फार्मूलाज को ढूंढने का, और फिर उसके ऊपर फिल्टर लगा के आप उन इन इनकंसिस्टेंसीज को दूर भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रेसिडेंट्स एंड डिपेंडेंट्स। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे इस पर्टिकुलर शीट में कौन से ऐसे सेल्स हैं जो डिपेंडेंट्स हैं, कौन से ऐसे सेल्स हैं जो प्रेसिडेंट्स हैं। लेकिन वो पता तो तभी चलेगा ना जब मुझे प्रेसिडेंट्स एंड डिपेंडेंट्स का मतलब पता होगा। प्रेसिडेंट्स एंड डिपेंडेंट्स फार्मूला एडिटिंग टूल्स होते हैं। क्या होते हैं? फार्मूला एडिटिंग टूल्स होते हैं। ये फार्मूला एडिटिंग टूल्स मैं आपको डिटेल में किसी समय करवाऊंगा, आज मैं इनका सिर्फ ओवरव्यू आपको दे देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर हम अलग से लेक्चर लगाएंगे। इसके असल में ये मिलते हमें कहाँ पर हैं, वो हमें मिलते हैं यहाँ पर फार्मूलाज में, ट्रेस डिपेंडेंट्स एंड ट्रेस डिपेंडेंट्स, ट्रेस प्रेसिडेंट्स एंड ट्रेस डिपेंडेंट्स। मान लीजिए मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ, ये जो 80 है ना, ये फार्मूला के कारण आया है। किसके कारण आया है? फार्मूला के कारण आया है। अब ये जो पर्टिकुलर 80 है, ये किन सेल्स के कारण आया है, इसको किन सेल्स की वैल्यू अफेक्ट करती है, इस 80 को कौन से ऐसे सेल्स हैं जिसकी वैल्यू इफेक्ट करती है, और जिन सेल्स की वैल्यू इस 80 को अफेक्ट करती है ना, इस सेल की वैल्यू को अफेक्ट करती है, वो इसके प्रेसिडेंट्स हैं। चलिए कंट्रोल और जी को इकट्ठा प्रेस करें, ऑल्ट और एस को प्रेस करें, प्रेसिडेंट्स को सिलेक्ट कर लें, ओके पे क्लिक करें, तो इसने इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि इस 80 की वैल्यू इन तीनों पर डिपेंड करती है और ये तीनों इसके प्रेसिडेंट्स हैं। यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल और जी को इकट्ठा प्रेस करते हैं, ऑल्ट और एस को प्रेस करते हैं, यहाँ पर डिपेंडेंट्स में आ जाते हैं। डिपेंडेंट्स क्या होते हैं? यहाँ पर मैं उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, उन सेल्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो इस सेल की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। अगर मैं इस सेल की वैल्यू को चेंज कर दूँ तो वो कौन से ऐसे सेल्स हैं जिनके बीच की वैल्यू चेंज हो जाएगी, उनको हम डिपेंडेंट्स कहते हैं। यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दें तो वो बोल रहा है कि इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर आपने 26 की वैल्यू को चेंज किया। चलिए मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, फॉर्मूला पे आता हूँ, यहाँ से भी आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर 80 है ना, ये वैल्यू जो है इसका जो प्रेसिडेंट है वो 25 है। इसका क्या, कौन सा प्रेसिडेंट है? 25 है। यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब इसको सिलेक्ट करें, ट्रेस डिपेंडेंट। अब वो कौन सा ऐसा सेल है जो इसकी वैल्यू चेंज करने पर चेंज हो सकता है, जिसकी वैल्यू इसकी वैल्यू को चेंज करने पर चेंज हो सकती है, तो ट्रेस डिपेंडेंट पर क्लिक करें तो वो बोल रहा है कि वो सेल 80 है। इसको आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं हुई है, बात ख़त्म करनी बड़ी मुश्किल है। कंट्रोल जी, कंट्रोल जी के बाद आप ऑल टेस्ट करें। आप ऐसा करें, आप नेक्स्ट शीट पर चलें, वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। देखिए ये 23 है, ये आया है इन तीनों को ऐड करके, ये 879 को ऐड करके ये 24 आया है, और ये 47 जो है ये आया है इस 23 और इस 24 को ऐड करके। मैं यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोल जी ऑल्ट एस को इकट्ठा प्रेस करता हूँ, प्रेसिडेंट्स पे क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, तो ये कह रहा है कि ये 47 इस 23 और इस 24 को ऐड करके बना है। बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन ये 23 और ये 24 भी तो आगे इन तीनों को ऐड करके बने हैं, तो उनको क्यों नहीं पकड़ता? मैं चाहता हूँ ये उनको भी ट्रेस करे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल जी को प्रेस करना है, ऑल्ट और एस को प्रेस करना है, यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट्स को सिलेक्ट करने के बाद ऑल लेवल्स पे क्लिक कर देना है। जब आप ऑल लेवल्स पर क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसने सभी को पकड़ लिया कि भैया ये 47 जो बन रहा है ना, इन सभी की बदौलत बन रहा है। चलिए अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ,
यहाँ पर आने के बाद मैं कंट्रोल जी को प्रेस करता हूँ, ऑल्ट एस को प्रेस करता हूँ, इसके डिपेंडेंट्स ढूंढने हैं मुझे, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, तो कहता है कि इस 7 के ऊपर ना इस 23 की वैल्यू डिपेंड करती है, अगर मैं इस 7 को चेंज करूँ तो ये 23 भी चेंज हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पकड़ के रखता हूँ, कंट्रोल जी करता हूँ, ऑल्ट एस करता हूँ, और यहाँ पर डिपेंडेंट्स पे क्लिक करने के बाद ऑल लेवल्स पर क्लिक कर देता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसने इस 23 को तो पकड़ा ही पकड़ा, इस 47 को भी पकड़ा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस 7 को चेंज कर दूंगा ना तो ये 23 तो चेंज होगा ही, ये 47 भी चेंज होगा, क्योंकि इसका टोटल इसमें ही ऐड हो रहा है। तो इसलिए इस तरह से आप इसको मल्टी लेवल भी कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ समझने वाली है, वो क्या है, यहाँ पर आते हैं फॉर्मूलाज में आते हैं और यहाँ पर ट्रेस प्रेसिडेंट्स पर क्लिक करते हैं। तो इसने इस 23 को पकड़ा और इस 24 को पकड़ा, लेकिन ये ऑल लेवल्स वाला नहीं आया। अगर आप ऑल लेवल्स वाला चाहते हैं तो आप एक बार फिर से ट्रेस प्रेसिडेंट्स पर क्लिक कर दें, अब ये इसको भी पकड़ेगा और इसको भी पकड़ेगा, यानी दो बार क्लिक करने से ये ऑल लेवल्स को पकड़ लेता है। यहाँ पर इसको हटा दें, यहाँ पर आएँ, यहाँ पर ट्रेस डिपेंडेंट्स पर क्लिक करें तो इसको पकड़ेगा, एक बार और क्लिक कर दें तो ये इसको भी पकड़ लेगा। इस तरह से ये काम करते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, लेकिन ये बात यहाँ पर अभी भी ख़त्म नहीं हुई है भैया, इसके शॉर्टकट्स भी हैं, आपको गो टू स्पेशल में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप मान लीजिए यहाँ पर हैं, यहाँ पर अगर आप हैं और आप इसके देखना चाहते हैं प्रेसिडेंट्स को, तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ इस ब्रैकेट को प्रेस करना होगा, इस ब्रैकेट को, कंट्रोल के साथ इस ब्रैकेट को प्रेस करें। जैसे मैं इस 24 के प्रेसिडेंट्स को देखना चाहता हूं तो मैं कंट्रोल के साथ इस स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस कर दूंगा, तो इसके प्रेसिडेंट्स आ गए, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, अब मैं इसके प्रेसिडेंट्स देखना चाहता हूं लेकिन ऑल लेवल्स के लिए देखना चाहता हूं, तो मैं इस ब्रैकेट को प्रेस ना करके इस ब्रैकेट को प्रेस करूंगा, तो मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर कंट्रोल शिफ्ट और कर्ली ब्रैकेट को प्रेस कर दूंगा, तो ये इन सभी को पकड़ लेगा, यानी मैंने ऑल लेवल्स वाला ही कर लिया। चलिए आगे चलते हैं, अब मुझे क्या करना है, अब मान लीजिए मैं डिपेंडेंट्स देखना चाहता हूँ, मुझे इसका डिपेंडेंट देखना है, इसका डिपेंडेंट देखने के लिए मैं इस पर्टिकुलर ब्रैकेट का इस्तेमाल करूंगा, ये वाली ब्रैकेट का, तो कंट्रोल के साथ मैं यहाँ पर हूँ, अब मुझे कंट्रोल के साथ इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, तो इसने बोल दिया कि भैया इसका प्रेसिडेंट, इसका जो डिपेंडेंट है वो ये है। अब मुझे इसका डिपेंडेंट देखना है, किसके साथ देखना है इसका डिपेंडेंट, इसके डिपेंडेंट मुझे ऑल लेवल्स के लिए देखना है, तो कंट्रोल शिफ्ट और इस पर्टिकुलर एरो को, कर्ली ब्रेसिस वाली एरो को मैं इकट्ठा प्रेस कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसको पकड़ना है, कंट्रोल शिफ्ट और ये वाली जो मेरी कर्ली ब्रेसिस है मुझे इसको प्रेस करना है, तो इसने इस 23 को और इस 47 को दोनों को पकड़ा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है, तो मैंने आपको शॉर्टकट भी बता दिए, यहां से भी बता दिया, साथ ही साथ मैंने आपको शॉर्टकट्स यहां से और गो टू स्पेशल तीनों से बता बता दिया, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, यहां पर आते हैं, यहां पर मेरे पास एक डाटा रेंज है, इसमें से मैंने बी कॉलम के बाद एफ कॉलम तक सभी को हाइड किया हुआ है, और यहां से सेकंड रो के बाद 10th रो तक मैंने सभी रोज को हाइड किया हुआ है। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ और इस शीट में जाकर मैं इसको पेस्ट करता हूँ ना, तो एक दिक्कत आती है, वो दिक्कत ये है कि जो रोज हाइड की हुई थी ना वो भी पेस्ट हो जाती हैं, जो कॉलम्स हाइड किए हुए थे वो भी पेस्ट हो जाते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ विजिबल सेल्स को कॉपी करके ही पेस्ट करना है, तो इसके लिए मुझे पहले विजिबल सेल्स को इकट्ठा सिलेक्ट करना पड़ेगा। विजिबल सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए आपको पहले इस रेंज को सिलेक्ट करना है, जिस रेंज में से आप विजिबल सेल्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, फिर कंट्रोल जी को प्रेस करना है, ऑल्ट एस को प्रेस करना है और गो टू स्पेशल के डायलॉग बॉक्स पर पहुंच जाना है। यहाँ पर आपको वाई को प्रेस करना है, आप विजिबल सेल ओनली का जो रेडियो बटन है वो सिलेक्ट हो जाएगा, एंटर को प्रेस करना है, तो आप देखेंगे कि जो विजिबल सेल्स हैं सिर्फ वही सिलेक्ट हुए हैं। अब क्योंकि विजिबल सेल्स ही सिलेक्ट हुए हैं, कंट्रोल सी करने पर विजिबल सेल्स ही कॉपी होंगे, अब क्योंकि विजिबल सेल्स ही कॉपी हुए हैं तो विजिबल सेल्स ही पेस्ट होंगे, हमें यहाँ पर आना है, यहाँ पर आकर कंट्रोल और वी को इकट्ठा प्रेस कर देना है, तो आप देखेंगे कि जो सेल्स विजिबल थे सिर्फ वही पेस्ट होकर आपके सामने आए हैं। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्यों कर रहा हूँ वो भी बताता हूँ, यहाँ वापस चलते हैं भैया, इतना लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है, गो टू स्पेशल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसका शॉर्टकट भी है, आपको ऑल्ट और सेमी कॉलन को इकट्ठा प्रेस करना है,
जब आप ऑल्ट और सेमी कॉलन को इकट्ठा प्रेस कर देंगे तो विजिबल सेल सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल और सी से उसको कॉपी कर लेना है। इस शीट में अगर पेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आकर कंट्रोल और वी को इकट्ठा प्रेस कर देना है, कंट्रोल और वी को इकट्ठा प्रेस कर देना है, तो आपके विजिबल सेल्स यहाँ पर कॉपी होके पेस्ट हो जाएंगे। चलिए आगे करते हैं, ये बहुत आसान है। इसमें क्या है, इसमें आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग को पकड़ना है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को तो मैंने बहुत डिटेल में आपको पहले ही समझाया हुआ है, आप इस रेंज को पकड़ लें, चाहे ना भी पकड़ें बाहर भी कहीं रहने दें, कंट्रोल जी पर करें, ऑल्ट एस पर करें, और यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको टी को प्रेस करना है, टी को प्रेस करना है, और ये करने के बाद ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेट, ओके पे क्लिक कर देना है, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपकी सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आप मान लीजिए इसको सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल जी करते हैं, ऑल्ट एस करते हैं, यहाँ पर ना दो ऑप्शंस हैं, एक है ऑल एक है सेम। सेम का मतलब है कि ऐसी ही ये डाटा बार्स लगी है यहाँ पर डाटा बार्स लगी हैं, और यहाँ पर जो हमने लगाई है इसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में थीम्स बोलते हैं शायद, कलर स्केल्स बोलते हैं, तो यहाँ पर हमने कलर स्केल्स लगाए हैं, यहाँ पर हमने आइकन सेट्स लगाए हैं। तो आप इसको अगर सिलेक्ट करते हैं, आप यहाँ पर आते हैं कंट्रोल जी करते हैं, कंट्रोल जी करने के बाद स्पेशल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी करते हैं, पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेट्स में आते हैं, और अगर आप ऑल करते हैं ना तो ऑल पर क्या होगा, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये सबको सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ डाटा बार्स को ही चाहते हैं, कंट्रोल जी पर क्लिक करें, स्पेशल पर क्लिक करें, और कंडीशनल फॉर्मेट्स पर क्लिक करें, सेम पर क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें, तो ये सिर्फ इसको ही सिलेक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि स्केल्स इसी में हैं, इसमें थोड़ी स्केल्स हैं, इसमें तो आइकन्स हैं, तो क्योंकि आपने सिर्फ सेम को सिलेक्ट किया था इसलिए वो सिर्फ इसी कॉलम को पकड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, कंट्रोल जी करते हैं, अगली ऑप्शन देखते हैं, ऑल्ट एस करते हैं, यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डाटा वैलिडेशन। देखिए डेटा वैलिडेशन ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी थोड़ी सी समरी आपको बता देता हूँ, अलग से लेक्चर हम जरूर लगाएंगे उसका भी, तो उसकी थोड़ी सी समरी बताता हूँ, यहाँ पर अप्लाई करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए इन 300 सेल्स पर मैं डाटा वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ, कंट्रोल जी करने की जरूरत नहीं है, डाटा वैलिडेशन यहाँ पर होता है, यहाँ पर डाटा वैलिडेशन पर क्लिक कर दें, इन तीनों सेल्स पर लगाना है, यहाँ पर मैं लिस्ट पर क्लिक करता हूँ, करने के बाद यहाँ पर क्लिक करूँगा, करने के बाद इन तीनों को सिलेक्ट कर लूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, ओके पे क्लिक कर दूँगा, ये देखिए यहाँ पर लिस्ट बन गई, जो जो सब्जेक्ट चाहिए वो टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बस सिर्फ आपको उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो टाइप करने की आपकी जो समस्या है अलग अलग सब्जेक्ट्स को या चीज़ों को, वो ख़त्म हो गई यहाँ से डाटा वैलिडेशन अप्लाई करने पर। यहाँ पर भी डाटा वैलिडेशन अप्लाई करता हूँ, कंट्रोल यहाँ पर आते हैं, डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ होल वैल्यू, तेज़ी से समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ 0 लिखता हूँ, यहाँ 40 लिखता हूँ, यानी इन सेल्स में आप 0 से 40 के बीच की वैल्यू एंटर कर सकते हैं, 40 से बड़ी वैल्यू आप एंटर नहीं कर सकते। ओके पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर आप 41 एंटर करके देखो ज़रा ना, मैसेज आएगा, चलो हटा दो इसको। अब क्या करो, यहाँ पर आओ, कंट्रोल जी करो, ऑल टेस्ट करो, ऑल टेस्ट करने के बाद डाटा वैलिडेशन पर आओ, ऑल ही रहने दो, ओके पे क्लिक करो, इन तीनों को भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया। चलिए यहाँ पर आते हैं, कंट्रोल जी करें, कंट्रोल जी करने के बाद ऑल टेस्ट करें, ऑल टेस्ट करने के बाद यहाँ पर डाटा वैलिडेशन में आएँ और यहाँ से सेम को सिलेक्ट कर लें, ओके पे क्लिक करें, इन तीनों को ही सिलेक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पर अलग तरह की डाटा वैलिडेशन लगी है और नीचे जो है इन सेल्स पर अलग तरह की डाटा वैलिडेशन लगी है। सेम डाटा वैलिडेशन का मतलब है जहाँ जिस सेल को आप सिलेक्ट किया है वैसी ही डाटा वैलिडेशन जिन दूसरे सेल्स पर लगी है, और ऑल का मतलब है इसको भी सिलेक्ट कर लेगा, इसको भी सिलेक्ट करेगा, जितनी भी तरह की डाटा वैलिडेशन लगी है सभी तरह की डाटा वैलिडेशन को सिलेक्ट कर लेगा। चलिए कंट्रोल जी करते हैं, कंट्रोल जी करने के बाद स्पेशल पर क्लिक करते हैं, स्पेशल पर क्लिक करने के बाद लास्ट सेल को सिलेक्ट करते हैं, ये रह गई थी बीच में ऑप्शन, ओके पे क्लिक करते हैं, तो ये लास्ट सेल है भैया, यहाँ तक के सेल्स हमने यूज़ किए हैं, कभी कभार कोई यहाँ पर डाटा टाइप किया होगा उसके बाद डिलीट कर दिया होगा इसलिए इसने इसको लास्ट सेल माना है। तो इस तरह से आप जो भी आपका एम एस एक्सेल की वर्कशीट है उसमें अगर आप लास्ट सेल पर पहुंचना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने इस लेक्चर को पूरी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है, एक एक ऑप्शन को आपको मैंने डिटेल में समझाया है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, कमेंट्स करके क्वेश्चन ज़रूर पूछा करें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।